बेनिफिट हैं, इसमें किस दर से जीएसटी लगता है, कौन कौन से व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीजीएसटी एक्ट 2017 के अनुच्छेद 10 में यह प्रोविज़न बनाया गया है कंपोजिशन स्कीम्स के संबंधित। इसका उद्देश्य जो छोटे व्यापारी हैं, है ना, उन्हें जीएसटी से संबंधित सरलता प्रदान करने के लिए एवं उनकी जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो कम करने के उद्देश्य से कंपोजिशन स्कीम को लाया गया है एवं यह प्रावधान जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत यह बेनिफिट है कि इसके अंतर्गत जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है, जो सप्लायर हैं, वह क्वार्टरली अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, है ना, और ना ही उन्हें जो है पूरा अपने अकाउंट मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह जो कुछ बेनिफिट हैं इसमें है, इसके अलावा हम आगे और विस्तार देखते हैं। अब देखते हैं कि इसे कौन ऑप्ट कर सकता है, कौन कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपने जीएसटी की गणना करके पे टैक्स पे कर सकता है और उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो देखिए, इसके अंतर्गत सिर्फ कोई भी व्यक्ति जो किसी गुड से या माल का उत्पादक है, मैन्युफैक्चरर है या डीलर है, है ना, या कोई रेस्टोरेंट का संचालक है जो जहां पे अल्कोहल सप्लाई नहीं की, मतलब परोसी नहीं जाती है, अल्कोहल सर्व नहीं की जाती है, ऐसे रेस्टोरेंट का कोई संचालक है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वह, या ऐसे व्यक्ति या व्यापारी जो हैं वह जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए इसमें सिर्फ ऐसे व्यक्ति या व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ठीक है, मतलब यदि जिनका एनुअल टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर का 1.5 करोड़ से अधिक हो जाता है, ऐसे व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपना पंजीकरण नहीं करा सकते या इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं कुछ स्टेट दी हैं जहां पे यह जो इसकी, जहां इसकी जो लिमिट है वह 75 लाख रुपए है, मतलब यदि वहां पे इनका टर्नओवर जो है 75 लाख रुपए से अधिक होता हो तो यहां कंपोजिशन स्कीम वह व्यापारी ऑप्ट नहीं कर सकते। तो वो कौन सी स्टेट हैं, देखिए इसमें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ठीक है, ये स्टेट हैं। यहाँ पे यदि यहाँ का व्यापारी जो है अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो यहाँ पे ये जो लिमिट है 75 लाख है, यदि 75 लाख रुपए से अधिक इनका एनुअल टर्नओवर है तो वह कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे या फिर इसको ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा, और इसके अलावा जो अदर स्टेट है वहाँ पर यह लिमिट 1.5 करोड़ है, यदि 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो वह ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, यदि 1.5 करोड़ से कम है उनका एनुअल टर्नओवर तो वह कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। तो और जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की जो गणना होगी उसमें देखिए क्या क्या जोड़ा रहेगा, उसमें देखिए जो भी टैक्सेबल सप्लाइज रहेंगी वो सभी जुड़ी रहेंगी, इसके अलावा एग्जम्प्ट सप्लाइज अगर आप होंगी व्यापारी की तो वो भी जुड़ी होंगी, जीरो रेटेड सप्लाई, है ना, एक्सपोर्ट किया हो कुछ तो वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा, और इंटर स्टेट सप्लाईज भी होंगी, जो यदि कहीं स्टेट के बाहर सप्लाई किए तो वो भी जोड़ के टोटल जो एनुअल टर्नओवर होगा उसके आधार पे जो है यह एनुअल टर्नओवर की अमाउंट की लिमिट इस आधार पे निर्धारित की जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जो व्यापारी रजिस्टर्ड होते हैं उनके लिए कुछ कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, तो अब हम बात करते हैं वह कौन सी रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन है, ठीक है। तो जो व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराते हैं या उसको ऑप्ट करते हैं वह टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, मतलब वह जो इनवॉइस इशू करते हैं उसमें वह टैक्स चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत डीलर जो हैं वह जो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विस उस पर वो जो वो है टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब जो रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं जो वह बिल पे वह टैक्स पे टैक्स कलेक्ट डायरेक्ट जिसको सप्लाई बेच रहे हैं डायरेक्ट कंज्यूमर को उससे जो है वह टैक्स कलेक्ट करते हैं, परंतु कंपोजिट डीलर जो है वह टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है उसके द्वारा जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है उस पर। इसके अलावा एक सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन यह है कि जो कंपोजिशन डीलर रहता है वह इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं ले पाता है, जो उसने माल परचेज किया है उस पर जो जीएसटी पैड किया है उसकी क्रेडिट इस स्थिति में या इस स्कीम में नहीं मिलती है, जो टैक्स जो व्यापारी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड रहता है वह इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति
कंपोजिशन डीलर से मटेरियल परचेस करता है, वह व्यक्ति भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा जो कंपोजिशन डीलर रहता है, मतलब कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत रहता है या ऑप्ट किया होता है उसने, वह व्यक्ति अपने इनवॉइस पे या उसके जो भी बिजनेस के साइन बोर्ड हैं, ऑफिस का या दुकान का बोर्ड है, हर जगह वह यह लिखेगा कि वह कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है। तो यह कुछ रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन थी कंपोजिशन स्कीम डीलर के ऊपर। अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसे कौन से व्यापारी या मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपना पंजीकरण नहीं करा सकते या इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, CGST एक्ट के सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 में कुछ सर्विसेज उल्लेखित की गई हैं। यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी इन सर्विसेज का को सप्लाई करने का व्यापार करता है तो वह व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति ऐसा गुड्स या प्रोडक्ट को सप्लाई करता है जो जिन पे GST नहीं लगता है, जो एग्जम्प्टेड गुड्स हैं, तो ऐसी स्थिति में वह सप्लायर भी कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपना पंजीकरण नहीं करा सकता या इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इंटर स्टेट सप्लाई करता है, मतलब एक स्टेट से किसी अन्य दूसरी स्टेट में माल या गुड्स को सप्लाई करता है, तो उस स्थिति में वह सप्लायर या वह व्यापारी भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे बात करें हम, तो ऐसा व्यक्ति जो ऑनलाइन ई कॉमर्स के माध्यम से सब मटेरियल सप्लाई करता है या सेल करता है ना, वो जिसे टैक्स जो है एट सोर्स पे कलेक्ट करने की जवाबदारी होती है, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। यदि आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं होना चाहिए। यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं या ई कॉमर्स या ई ऑनलाइन माध्यम से आप व्यापार करते हैं या सप्लाई करते हैं, तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, ना ही इसे ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो निर्माता हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, जो आइसक्रीम, पान मसाला या टोबैको प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वह भी कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपने आप को पंजीकृत नहीं करा सकते, ना ही इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, जिसकी कैजुअली टैक्स पे करने के लिए लाइबिलिटी जनरेट होती है, और NRI नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो यहाँ इंडिया का नॉन NRI है ना, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, वह भी जो व्यक्ति है कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपना पंजीकरण नहीं करा सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अभी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, उसके अंतर्गत सर्विस प्रोवाइडर को भी कंपोजिशन स्कीम में पंजीकरण कराने या ऑप्ट करने की सुविधा प्रदान की गई है। तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जिनका टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है, वह सर्विस प्रोवाइडर कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपना पंजीकरण कर सकते हैं, या यदि वह पहले से पंजीकृत हैं तो वह इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी को किस दर से GST पेड करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरर कौन से, जो आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको के मैन्युफैक्चरर नहीं है। इसके अतिरिक्त जो मैन्युफैक्चरर हैं उन पे देखिए 0.5% जो भी उनकी सप्लाई रहेगी टैक्सेबल, उस पे 0.5% CGST लगेगा और 0.5% SGST, मतलब उनकी जो टोटल लाइबिलिटी रहेगी वो 1% की रहेगी मैन्युफैक्चरर की स्थिति में। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, है ना, जो सप्लाई फूड ड्रिंक प्रोवाइड करते हैं जिसमें एल्कोहलिक लिकर शामिल नहीं है, या ऐसे रेस्टोरेंट जो सिर्फ फूड और ड्रिंक प्रोवाइड करते हैं, एल्कोहलिक लिकर ड्रिंक प्रोवाइड नहीं करते हैं, उस स्थिति में उन पे जो है GST की लाइबिलिटी 2.5% CGST की लाइबिलिटी रहेगी और 2.5% SGST की लाइबिलिटी रहेगी। तो टोटल 5% की लाइबिलिटी उनकी रहेगी, जितनी भी उनके द्वारा टैक्सेबल सप्लाई की जाएगी उस पे उनकी 5% की टोटल लाइबिलिटी रहेगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कोई अतिरिक्त जो ट्रेडर हैं जो एलिजिबल हैं कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत, उस स्थिति में जो भी उनकी टैक्सेबल सप्लाई रहेगी उसका 0.5% CGST और 0.5% SGST, टोटल 1% टैक्स उनको अपने टोटल टैक्सेबल सप्लाई पे देना होगा ट्रेडर्स को। इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर हैं अन्य, उनकी स्थिति में जो है उनकी जो टोटल सप्लाई रहेगी सर्विसेज, जो टोटल सप्लाई सर्विसेज है उसका 3% उनको SGST देना है और 3% CGST देना है, मतलब टोटल 6% की दर से उनकी। कंपोजिशन स्कीम के क्या बेनिफिट हैं, ठीक है, तो देखिए कंपोजिशन स्कीम में सबसे पहला बेनिफिट है कि इसमें लेस कंप्लायंसेस हैं,
मतलब आपको जो रजिस्टर रिकॉर्ड अकाउंट ये मेंटेन नहीं करना है, ठीक है, जो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत व्यक्ति रजिस्टर रहता है उसे ये सब मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा लोअर टैक्स है, मतलब यदि आप कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत टैक्स की रेट देखेंगे तो इसमें बहुत ही नॉमिनल रेट है, इसलिए इसमें जो है लोअर टैक्स होता है, इसमें टैक्स की बचत होती है। इसके अलावा टैक्स कम होने से वर्किंग कैपिटल कम इन्वॉल्व होती है, जिससे तरलता बनी रहती है और कैपिटल व्यापारी के पास बची रहती है। और इसका सबसे मेन बेनिफिट जो है कि इसमें मंथली रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया जाता है। इसका सबसे एक महत्वपूर्ण बेनिफिट यह भी है कि इसमें क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर किया जाता है, वहीं रेगुलर टैक्स पेयर को मंथली रिटर्न फाइल करना होता है। और यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम के में जो डीलर या सप्लायर रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है एक निश्चित दर के अमाउंट से। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं तो हम बात कर लेते हैं अब उन पे। देखिए इसमें क्या है कि जो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जो डीलर हैं वह इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता है, इसके अलावा उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है, ठीक है, और उन्हें कलेक्शन ऑफ टैक्स जो है अलाउ नहीं रहता है। यह एग्जम्प्ट गुड्स जो होते हैं, नील रेटेड गुड्स जो होते हैं, एग्जम्प्ट जो गुड्स हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता है, या उनकी सप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कंपोजिट डीलर जो है ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते हैं। यह कुछ इसके हानियां हैं या डिसएडवांटेज हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या लाभ हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, पूरी चीज़ें, क्या टैक्स रेट हैं। वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं अन्य जानकारी वर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।